और अब फाइनली बुला लेते हैं जिन्होंने अपने डांस से सबके दिलों पे राज कर लिया है। यस, पुट योर हैंड्स टुगेदर फॉर जनक राणा। पर आज झनक मंच पर बुलाने पर भी नहीं आती है और जहां तालियों की गड़गड़ाहट है वहीं आज रुद्र प्रताप को बेहद खुशी है, पर उन्हें नहीं पता कि आज क्या तूफान आया है झनक की जिंदगी में अनी के नाम का। झनक, झनक कहां रह गई तुम? और जहां अर्शी की भी बेचैनी बढ़ गई है झनक का नाम दोबारा सुनकर रुद्र प्रताप भी घबराते हैं। झनक आखिर कहां है? झनक, वी आर वेटिंग फॉर यू। और अब तीसरी बार उसे बुलाया गया है पर अब झनक कहीं चले ना जाए घबराकर, जो सृष्टि चाहती है और अनी और अर्शी भी देख रहे हैं कब आएगी आखिर झनक सामने। और अब अपने अंदर एक नई ताकत लाती है झनक और सर उठाकर जाती है उस मंच पर जो उसका है। Here is झनक, audience! और जैसी उसकी परवरिश है करती है नमन अपनी मासी को, पर सृष्टि अपना चेहरा घुमा लेती है नफरत जो करती है, पर अब झनक को कोई फर्क नहीं पड़ता और झनक अपने गुरु को करती है नमन। और जहां कोई शब्द नहीं आज झनक के पास अनी को देखकर, पर आंखें नम होती है दोनों की। ये मुलाकात भी हुई तो आज ऐसे, जहां आज अनी का परिचय किसी और के साथ है, सृष्टि का दामाद और अर्शी का पति, और वही दर्द और गम झलकता है दोनों के बीच। ये क्या हो गया समय के चक्कर में जिसमें अनी एकदम अनजान था ये सबसे। तुम्हें पता था झनक इस शो में पार्टिसिपेट कर रही है? नहीं अर्शी, मुझे नहीं पता था। झनक तुम यहां कैसे? अनी अब जोर का सांस लेता है, झनक सुरक्षित है और आगे बढ़ रही है, ये तसल्ली मिल गई उसे आज। वो अचानक चली गई थी तो बेचैन था वो, अब चैन की सांस ही ले रहा है अनी। झनक सेफ है पर अर्शी, उसके मन में मची है हलचल। अगर अनी नहीं जानता था कि झनक यहाँ है तो फिर मेरे साथ यहाँ आने के लिए इतना फोर्स क्यों किया? आखिर सच क्या है? तुम्हारी मदद करने वाला था ना झनक, बस थोड़ा सा वक्त चाहिए था, लेकिन तुम सब्र नहीं कर पाई, थोड़े दिन और नहीं रुक पाई।
यही मौका मिला था आपको यहाँ आने का, अभी जिंदगी के इस मोड़ पर क्यों सर जी? और इन्हीं ख्यालों के बीच शुरू होता है प्रोग्राम। तो पहली डांस परफॉर्मेंस शुरू करने से पहले आप सबके साथ एक सरप्राइज शेयर करना है मुझे। जानना नहीं चाहोगे क्या? इस शो का विनर कौन होगा ये सिर्फ हमारे जजेस पर निर्भर नहीं करता है, ये निर्भर करता है हमारे फैंस, हमारे फॉलोअर्स और हमारी प्यारी ऑडियंस पे। आप सब अब अपने फेवरेट कंटेस्टेंट को जिता सकते हो, बट ये होगा कैसे? एनी गेसेस? वोटिंग गाइस, यस वोटिंग लाइंस खुल चुकी है, तो अभी के अभी अपने फोन उठाइए और अपने फेवरेट कंटेस्टेंट को वोट करके उन्हें जिताइए। आप अपने पसंदीदा कैंडिडेट को वोट कर सकते हैं ए बी सी या डी एसएमएस के द्वारा 567890 पर। सो व्हाट आर यू वेटिंग फॉर गाइस? कम ऑन, उंगलियों को चलाइए, फोन उठाइए और सुनिए, एसएमएस की बाढ़ आनी चाहिए। ओके, दिस इज योर चांस, डोंट मिस इट, वोट फॉर योर फेवरेट कंटेस्टेंट नाउ। सो चलिए अब बुला लेते हैं हमारे पहले कंटेस्टेंट को, द फंकी बॉयज। और अब शुरू होता है सेमीफाइनल्स फंकी बॉयज के साथ। की शोर में सभी अब रुके हैं अगले परफॉर्मेंस के लिए और वोटिंग लाइंस पर वोट करने के लिए भी, पर वहीं अब झनक बार बार अनी की ओर देखती है। आखिर उसके सर जी आ ही गए अर्शी दीदी के साथ, पर संकोच है दोनों तरफ से। जहां झनक को ये समझ नहीं आ रहा कि आखिर कैसे पहुंच गया अनी उसके खास मौके पर ऐसे, और वो भी सृष्टि मासी के साथ जो बनी है जज, तो उसे तो बहुत दमदार परफॉर्मेंस देनी होगी जीतने के लिए। पर अर्शी को बर्दाश्त ही नहीं हो रहा झनक को वहां ऐसे देखकर, और अनी पर उसे पूरा का पूरा शक है आज। उसे पता था इसलिए लेकर आया है, वो झनक से मिलना चाहता था दोबारा। अब आगे क्या होगा देखना ना भूलिएगा झनक की सारी अपडेट्स में, यही कंप्लीट बॉलीवुड पर।